हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ डिक वेडिंगटन एंड हिज कैट, 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती स्टेट बोर्ड। आई हैव पोस्टेड द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। आई विल गिव दिस लेसन लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड इट विल बी शोन एज इन द आई आइकन टू। सो लेट्स बिगिन। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। और खाना डाल दिया था और रैट्स एंड माइस फिर से आ गए थे पहले जैसे। द कैट इमीजिएटली पाउंस्ड। पाउंस्ड मीन्स झपटना। इमीजिएटली पाउंस्ड किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दिस स्कैटर्ड। इमीजिएटली पाउंस्ड किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दिस स्कैटर्ड। झपट लिया उन सब चूहों को वो भाग जाने से पहले। एवरी वन वॉज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्ट व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। सबको बहुत पसंद आ गया था एंड द क्वीन आस्ट What do you call this animal? Queen ने पूछा इस animal को क्या बोलते। Purse is the name she answers to, the said the captain. And when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. उससे पास गई और ऐसे बॉडी घिसी सिर्फ और कुछ नहीं। The queen was a little alarmed at first, थोड़ी डर गई थी at first. Over to her and poured. The queen was little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. Here fiercely means jumkar. How fiercely the cat had attacked the rats and mice. But the captain told her not to be anxious. Anxious means chintit. Not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom of rats and mice. Rid means mukt karna. I would give great wealth to your own this animal, said the queen. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. The king would buy the whole cargo. Whole cargo means pura maal from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price. अच्छी खासी रकम देने के लिए. And for the cat alone, the king paid 10 times the sum again. फिर उसके से बिल्ली के लिए भी 10 गुना ज़्यादा पैसे दिए. When the ship came back to port of London, port means बंदरगाह. The captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary. Barbary उस जगह का नाम था जहाँ से जहाँ वो राजा और रानी थे. He had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Whittington. For you are a rich man. अब हम सब तुम्हें मिस्टर फिट्सवर्न बोलेंगे क्योंकि अब तुम अमीर इंसान बन गए हो, अमीर आदमी. मिस्टर फिट्सवर्न देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव फ्रॉम द कैट. उसको जो बिल्ली के लिए पैसे मिले थे राजा से वो सारे पैसे उसने डिक को दे दिए थे. फ्रॉम द टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्सवर्न एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ. खुद भी एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया था डिक. ही मैरिड मिस्टर फिट्सवर्न्स डॉटर एलिस. उसने उसे ये शादी की डॉटर से मिस्टर फिट्सवर्न के एलिस नाम की. एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन. 3 बार वो लॉर्ड मेयर बना था, महापौर बन गया था लंडन का. ही वॉज ऑल्सो इन द टाइम नाइटेड बाय King and became Sir Richard Whittington, knighted in English, given a highly honored title, and in Hindi, बड़ा दर्जा देना. Sir Richard Whittington, he was not only famous, but he was popular too. बहुत famous ही नहीं था और बहुत popular भी था. For he always helped the poor with his money. वो हमेशा गरीबों की मदद करता था खुद के पैसे से. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy.
फिर उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया उसकी स्टोरी, जो उसकी बिल्ली की स्टोरी थी, एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंडन जो घंटे बजी थी ना तब, उसको बताने के लिए कि उसको कैसे वापस बुलाया था, बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय, जब वो गरीब लड़का था। टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। सो फ्रेंड्स, हियर आवर लेसन इज़ ओवर।